ऑफ एनदर फोटोन द टू फोटोन, स्टिम्युलेट मतलब किसी चीज को उकसाना, नहीं देसी भाषा में बोलते हैं किसी चीज को चढ़ा देना, मतलब किसी को कन्विंस कर देना, किसी को मोटिवेट कर देना झगड़ा करने के लिए, मतलब स्टिम्युलेट करना, तैयार करना, ठीक है, स्टिम्युलेट उकसाना। अगर एक फोटोन दूसरे फोटोन को निकालता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा, तो एटम के केस में अगर देखो, अगर ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है एन इजिक्वल टू वन में, और ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होता है तो एन इजिक्वल टू टू में जाता है, और फिर अगर डी एक्साइट होता है तो वो डी एक्साइटेशन में वो क्या करता है कि वही फोटोन जो लिया था वापस कर देता है, रेडिएशन इमिट कर देता है। अब देखो, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर से एक फोटोन आया, इधर से एक फोटोन आया, और उस फोटोन की जो एनर्जी थी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो इसकी कितनी थी, इसकी एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13, और इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमने स्पेशल फोटोन डाले वो फोटोन अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म करके अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दोबारा वापस आ गया। तो अगर ये फोटोन स्टिम्युलेट करता दूसरे फोटोन को इमिशन के लिए, तो इसमें क्या खास बात होती है कि इन दोनों की जो एनर्जी है वो, अब देखो, अब यहाँ से जो दूसरा फोटोन जंप करेगा, यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ आ गया, तो जब दोबारा डी एक्साइट होगा तो वही फोटोन उसी वेवलेंथ उसी फ्रीक्वेंसी का जनरेट होगा, ठीक है। तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम 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 एनर्जी का, मतलब दो फोटोन के बीच अगर कोलिजन होता है ऐसे समझ लो, तो सेम एनर्जी स्टिमुलेट होगा, तो सेम एनर्जी होगा, एनर्जी अगर सेम है फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है तो फेज भी सेम होता है, अगर फेज सेम है तो मोमेंटम कंजर्व तभी रहेगा जब डायरेक्शन भी सेम होगा, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अपना बहुत ख्याल रखो, थैंक यू।